सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना भगवंत मान। दोस्तों, करोना वायरस करके पूरी दुनिया के लोगों दी मुश्किलां वधिया हुई ने। किते लॉकडाउन है, किते करफ्यू है, तो चिंतावां लोगों दी बहुत ने, खास तौर पर उन्हां लोगों दी जिन्हां दे परिवार के कोई मैंबर जां कोई रिश्तेदार जां कोई हरमन प्यारे जिहड़े ने उह बाहरले सूबे च किते स्टक हो गए जां विदेशां दे विच जिहड़े फस गए। सो साडे कोल लगातार ईमेल्स वगैरह आउंदियां रहिंदियां ने, असीं कोशिश करदे रहिंदे हां कि जिथे वी उह हैगे ने उहनां नाल संपर्क करके उत्थों दे प्रशासन नाल गल करके ते उहनां नूं जे कोई एमरजेंसी है तां उहनां तक जिहड़ी है उह सुविधा पहुँचाई जावे, जां राशन दी जां मैडिकल दी। एक मेरे कोल खुशखबरी है इसे दौरान कि तख्त श्री हजूर साहब दे दर्शन करन वास्ते जिहड़े श्रद्धालु गए सीगे बहुत सारे, लगभग 3000 दे करीब है जिहड़े उत्थे स्टक हो गए सी। उह कल्ले पंजाब तों नहीं, सारे पंजाब के जिलों तो है ने, पर बाहरले मुल्कों चो ने, आस्ट्रेलिया चो, कनेडा चो भी सानू फोन आए हैं। मैं उन्होंने इन टच भी हाँ, जिहड़े उत्थे स्टक हुए हुए हैं, छोटे बच्चे भी ने, बजुर्ग औरतां भी ने, होर भी बीमार लोग भी ने, बजुर्ग भी ने। सो घर आना चाहते हैं, हालांकि उत्थे कोई राशन की जा कोई मैडिकल की कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जिहड़े नांदेड़ साहब तो MP ने, प्रताप राव, गोविंद राव चिखलीकर, वो मेरे अच्छे मित्र भी ने, पार्लीमेंट के असं मिलते भी रहने हैं, तो मैं वो कई बार सद्दा भी दे चुके हैं कि तुम जरूर आए उ, जो आए तो असं तुम्हें रिसीव करा तो लैके जावे। तो उन्हों का अच्छ मैं फोन आया, मैं उन्होंने भी इंटरेस्ट है, उन्होंने मैं एक खुशखबरी दी है कि जोड़ा गृह मंत्रालय ने चीफ सैकटरी महाराष्ट्र न गल की है कि उन्होंने अलाओ करो, तो चीफ सैकटरी ने कलैक्टर कहें अपने DC कह देंगे उत्थे कलैक्टर कहें, कलैक्टर नंदेड़ साहब नाल गल की है, तो MP साहब ने मैं दसिया कि कल तो उन्होंने घर वापसी शुरू होगी, पर एक घर वापसी थोड़ा जा सिस्टमैटिकली होगी, 2 बसा सवेरे चलिया कर 2 बसा शाम को, तो एक बस के 35 मुसाफिर होणगे, यानी कि 70 सवेरे 70 शाम को, यानी कि लगभग 125 तो 140 के नेड़े तेड़े लोग जिहड़े ने हर रोज़ उत्थों वापस आउणगे। गृह मंत्रालय की प्रवानगी उन्होंने मिल चुकी है, तो उन्होंने वहीकलों के नंबर वगैरह भी हो गए, तो उन्होंने मैं MP साहब ने दसाया कि 20 बसा साढ़े को ऑलरेडी प्रबंध हो गया, कल तो उन्होंने जी वापसी घर वापसी शुरू हो जूगी। मैं यही बेनती करनी है, MP साहब ने मैं यही कहा कि घबराना नहीं, काली नहीं करनी कि असी रह ना जाइए, जोड़ा ऑर्डर है गृह मंत्रालय का यही है कि जिन्ना चिर आखिरी बंदा जोड़ा घर वापस आना चाहता है, भावें पंजाब तो है, भावें जितों मर्जी बिलोंग करता हो, वह तख्त श्री हजूर साहब तो नहीं आता, उन्हां चिर यह जी सुविधा उन्होंने जारी रहेगी। काली नहीं करनी, कोई हड़बड़ाहट नहीं आना कि मैं पहला चढ़ जा मैं पहला चढ़ जा वाली गल नहीं करनी, तुहाडी वापसी का प्रबंध हो गया और सारिआं नूं इहदा मैं क्रैडिट दिंदा, ये कोई मैं नहीं कल्ले मैं कराया, सारिआं ने, पंजाब गवर्नमेंट ने भी गल की है, होर भी पार्टियां ने गलबात अपने आधार पर जिथे भी उन्हों का बस चलिया, क्योंकि इस मौके पर आपां सिर्फ लोगों संकट के उन्होंने हैल्प करनी है, आपां कोई क्रैडिट बार नहीं करना कि मैं कराया जां उन्हें कराया जां इहदा नाम चाहिए उहदा नाम चाहिए। सो तख्त श्री हजूर साहब के जिहड़े श्रद्धालु जिहड़े ने स्टक हो गए सी, फस गए सी उत्थे, उन्हां दी घर वापसी कल तो शुरू हो रही है, 2 बसा सवेरे जिहदे विच एक बस के 35 बंदे होणगे ते 2 बसा शाम नूं, सो 4 बसा हर रोज़ आया करनगियां, ते इस जिहड़ा तरतीब बार उन्हां नूं जिहड़ा जिन्ना भी टाइम लगेगा उन्होंने बाहर लिया जाऊगा, पर उन्ना चिर उन्होंने उत्थे रहन दा खाण दा जा मेडिसिन दा प्रबंध होगा, तो तुसीं कोई हड़बड़ाहट जा घबराहट नहीं आना, तुहाडे घर वापसी का प्रबंध जिहड़ा सरकारां ने जिथे तक भी जिहदी चली है उन्होंने सारयां नूं मेरे वल्लों भी धन्नवाद है, जिन्हां ने किसी होर ने भी फोन किए होणगे, मुख्यमंत्रियों नाल भी गल चली होणी, तो सारयां दा धन्नवाद है, तो उन्हां दी घर वापसी जिहड़ी कल तों शुरू हो जाऊगी। बहुत बहुत धन्नवाद जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।